वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साइंस इज सॉल्यूशन। आई एम मंजू शर्मा। आपके नीट के प्रेपरेशंस को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लेके आते हैं हर हफ्ते चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ सम चैप्टर्स फ्रॉम बायोलॉजी क्लासेस 11th और 12th। उसी सिलसिले में आज हम प्रेजेंट करेंगे चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स ऑफ नीट एग्जाम्स फॉर द चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये जो चैप्टर है क्लास 11th का है, तो अगर आप क्लास 11th में हैं तो बहुत बेहतरीन समय है कि आप अपने नीट के प्रेपरेशंस अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप प्रेपरेशन शुरू करेंगे उतनी जल्दी ही आप अच्छे रिजल्ट तक भी पहुंचेंगे। स्टूडेंट्स, जो इफेक्टिव स्मार्ट वे ऑफ क्रैकिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वो जो फर्स्ट स्टेप है उसका, उसमें आपको चैप्टर वाइज थ्योरी को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आप किसी भी चैप्टर का थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, सेकंड में उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, बेहतर है प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। इससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं ये जानने में। एंड द थर्ड वे इज उन एरिया को आप ज्यादा फोकस करके पढ़िए जिन एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सारे के सारे चैप्टर्स, जितने चैप्टर्स हैं, सबको पूरा ध्यान से पढ़ पाना, फुल डिटेल्स में पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो कुछ एरिया जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन एरिया को आप ज्यादा फोकस करके पढ़िए। इसी के लिए हर वीडियो में, हर चैप्टर वाइज एनालिसिस के बाद हम लेके आते हैं आपके सामने वो इम्पोर्टेंट एरियाज जिनको आपको ज्यादा फोकस करके पढ़ना पड़ता है। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, बिकॉज लास्ट में आपको वो इम्पॉर्टेंट एरियाज चैप्टर, इस चैप्टर का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के इम्पॉर्टेंट एरियाज के बारे में हम आपको बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्विज। आप भी ट्राई करिए कि हमारे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करें, कितने आंसर सही होते हैं। प्लीज डू कॉमेंट अस इन आर कॉमेंट सेक्शन बिलो। और क्विज शुरू करने से पहले प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज इससे आपको अपने नीट के प्रिपरेशन में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 1, कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन एपिडर्मिस एंड स्टेली, पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस एंड पिथ, और एंडोडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल। स्टेली जो है वो सेंट्रल पार्ट को कहा जाता है। सो द कॉर्टेक्स इज द रीजन विच इज फाउंड बिटवीन एपिडर्मिस एंड स्टेली। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। Come to question number 2, which was asked in 2017. The vascular cambium normally gives rise to primary phloem, secondary xylem, periderm or phelloderm. So the vascular cambium gives rise to secondary xylem. Option number 2. Moving on to our next question, which of the following is made up of dead cells? Collenchyma, phellem, phloem or xylem parenchyma? Phellem, which is also known as cork, it is made up of dead cells. Option number 2. Question number 4. Identify the wrong statement in context of heartwood. Number 1. It is highly durable. Number 2. It conducts water and minerals efficiently. Number 3, it comprises dead elements with highly lignified walls. Or number 4, organic compounds are deposited in it. So the wrong statement in context of heartwood is, heartwood gives mechanical support and does not conduct water and minerals. So option number 2. Question number 5, Casparian strips occur in epidermis, endodermis, cortex or pericycle? Casparian strips occur in endodermis. Option number 2. Number 6.
secondary xylem and phloem in dicot stem are produced by apical meristems, axillary meristems, phallogen or vascular cambium. Secondary xylem and phloem in dicot stem are produced by vascular cambium. Option number 4. Moving on to our next question. Plants having little or no secondary growth are grasses, cycads, conifers or deciduous angiosperms. Option number 1. Grasses have little or no secondary growth. Phloem in gymnosperms lacks albuminous cells and sieve cells, sieve tubes only, companion cells only, both sieve tubes and companion cells. Phloem in gymnosperms lack both sieve tubes and companion cells. Option number 4. Question number 9. Identify the incorrect statement. Heartwood does not conduct water but gives mechanical support. Sapwood is involved in conduction of water and minerals from root to leaf. Sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in color. Or option number 4, due to deposition of tannins, resins, oils, etc., heartwood is dark in color. We have to choose the incorrect statement. The incorrect statement is sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in color. That is option number 3. Actually, sapwood is the outermost secondary xylem. And our last question. A major characteristic of the monocot root is the presence of number 1. Scattered vascular bundles. Number 2. Vasculature without cambium. Number 3. Cambium sandwiched between phloem and xylem along the radius. Or option number 4. Open vascular bundles. Option number 2 is the major characteristic of the monocot root, that is the presence of vasculature without cambium. So anatomy of flowering plants, out of 10 aapke kitne answers sahi hue, please do comment us in our comment section below. Students, morphology of flowering plants, biological classification, living world, बायोमोलिक्यूल्स ऐसे क्लास 11th के बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनके चैप्टर वाइज एनालिसिस हमने कर रखे हैं. 11th में हैं तो बेहतरीन समय है कि आप अभी से अपने प्रेपरेशन शुरू कर दीजिए, बिकॉज अगले साल यू विल डेफिनेटली क्रैक इट इफ यू विल गो ऑन डूइंग सच चैप्टर वाइज एनालिसिस. अब इस चैप्टर के वो इम्पोर्टेंट एरियाज जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है. इस चैप्टर को हम दो भाग में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट है जिसमें टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम के बारे में कहा गया है. उससे हमने देखा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं. स्टिल कुछ टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होना पड़ेगा. वो जो टर्मिनोलॉजीज है, व्हेन वैस्कुलर बंडल इज सेड टू बी ओपन, व्हेन क्लोज, लाइक दिस, ऑल दिस टर्म्स, ये जो टर्म्स हैं इनको आप लिख के अपने टेबल के सामने इन टर्म्स को लगा सकते हैं. पढ़िएगा इसको, एक दो बार पढ़िएगा, इट्स एनफ, इजी है, आपको समझ में भी आ जाएगा. द सेकेंड पार्ट जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, लाइक स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, ये जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं इन पे आपको ज्यादा फोकस करके पढ़ना है. लाइक व्हाट इज द वैस्कुलर बंडल देयर, देन एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम, ये जो कैम्बियम के जो एक्टिविटीज हैं उसके बाद क्या क्या फॉर्म होता है उसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. And very very important is wood, hardwood, sapwood, okay, autumn wood, spring wood, ये जो सारे wood हैं, different types of wood, बहुत easy भी है, बहुत बहुत important भी है. तो इन सारे areas को आप ध्यान से पढ़िएगा, बार बार इस chapter को पढ़िएगा, important chapter है, इससे दो तीन questions हर साल पूछे जाते हैं. So stay tuned with us. Also join us in our next section where we will be doing chapter-wise analysis of structural organization in animals. Next chapter ka hum chapter-wise analysis leke aayenge. Agle, till then, bye.